आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के गांव रैका नंगला पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर और ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान जाहिद अली हैं। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांधा है। इन्होंने गांव के विकास के लिए अपनी जिम्मेदारी समझी है और गांव में अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में इन्होंने कितना विकास कराया है और अभी भी क्या समस्याएं गांव में बाकी हैं, आइए जानते हैं प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के रैका नंगला गांव में। यहां प्रधान द्वारा काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम यहां प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ 4 साल आपके कार्यकाल को बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए अब तक? काफी कार्य कराए हैं मैंने, RCC करा दी है गाँव में जी, और जो है कुछ खड़ंजे कराए हैं जी, शौचालय बनवा दिए हैं जी, और ODF हो गई ग्राम पंचायत। हाँ, ODF हो गई जी। आवास वगैरह मिले हैं? नहीं, आवास एक आवास मिला है, केवल एक आवास जी। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है पूरी तरह से? हाँ, जल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन ये मिले हैं? कनेक्शन मिले हैं, बिजली कनेक्शन फ्री हुए हैं। पेंशन वगैरह मिल रही है? पेंशन मिल रही है। किसानों के खातों में सम्मान निधि का पैसा आ रहा है? कितने परसेंट लोगों का आया है? हाँ, यह 70% के आसपास में जी। स्कूल पर क्या क्या काम आपने करवाए? स्कूल में मैंने टाइल्स बिछवा दी है और जो है दीवार करा दी है चारों पास की जी, और दरवाजे लगवा दिए, सही है। आपकी सौंदर्यकरण कराया है क्या स्कूल में? इससे कोई प्रभाव आपने महसूस किया? छात्रों की संख्या बढ़ी है या शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ? ना, सही शिक्षक से बढ़िया। आप जाकर बीच बीच में देखते हैं? हाँ, बीच में देखता हूँ जी। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा आपके ग्राम पंचायत में और क्या है? क्या बारात घर है? बारात घर नहीं है। पंचायत घर? पंचायत घर भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान नहीं है। शमशान घाट कब्रिस्तान? शमशान घाट नहीं है, कब्रिस्तान है। हिंदू समाज के लोग रहते हैं? नहीं, नहीं। अब अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? जो मिल जाएगा बेहतरी बेहतर है, जैसे बारात घर, पंचायत घर, चाहेंगे कि इसका निर्माण यहाँ पर आपके ग्राम बारात घर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। इसके अलावा और आप क्या चाहते हैं कि किस कोई समस्या ऐसी महसूस करते हैं जिसके लिए चाह रहे हैं कि सरकार खास तौर से आपकी ग्राम पंचायत में ध्यान दे? सब सही है अपना, ठीक है। पानी का यहाँ स्थिति कैसी है? पानी की स्थिति सही है, पानी है यहाँ का काफी पीने का पानी। हाँ, नदी का पानी थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है, काला पानी आता नदी में। तो देवीपुरा में जो ओवरहैंड टैंक बन रहा है उसका लाभ यहाँ के लोग भी ले पाएंगे? हाँ, ले पाएंगे, मैंने बात करी है DM साहब से, कह रहे हैं लगवा देंगे। कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? करीबन 50 आदमी। 50 लोग। यहाँ कच्चा रास्ता अभी कितना मीटर होगा? 300 मीटर है। 300 मीटर रास्ते के बाद ही गाँव पक्का होगा? गाँव पक्का हो जाएगा जी। और कोई समस्या आप जिसके बारे में सरकार से कुछ कहना चाहें? ना, सही चल रहा काम। सांसद या विधायक कभी आपके गांव में आकर लौटे हैं? देखा? हाँ, विधायक जी ने डलवाई है, हमारे RCC डलवाई है जी। सरकार जो कार्य कर रही है इससे संतुष्ट हैं? हाँ, अच्छा काम कर रही है, अच्छा कर रही है सरकार काम। जैसा कि आपने देखा प्रधान जी से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है, जैसे CC कार्य, सड़क निर्माण, आवास, यहाँ केवल एक आया है इस गांव में, ग्राम पंचायत में शौचालय से ही गांव ODF हो चुका है। अब भी लगभग 50 गरीब पात्र यहां ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहां लगभग 300 मीटर रास्ता अभी कच्चा है, जिसके पूरा होने के बाद ये गांव पूरी तरह से पक्का हो जाएगा, सारी सड़कें पक्की हो जाएंगी। इसके अलावा प्रधान ने जो प्रमुख मांग यहाँ रखी है वो बारात घर, पंचायत घर को लेकर है, जिसका वो यहाँ चाहते हैं कि सरकार निर्माण कराए। अशरफ अली के साथ मैं हाजिर हूँ टुडे 24 से।